नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है राहु और मंगल की युति के बारे में। तो आज का टॉपिक बस एक ही है, आज हमें राहु और मंगल की युति 12 भावों में जाननी है। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपको एस्ट्रोलॉजी कोर्स में इंटरेस्ट है, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है और प्रोफेशनली यदि करनी है तो केपी एस्ट्रोलॉजी ये कोर्स आप कीजिएगा। और यदि आपको एसेंस सीखना है ज्योतिष का तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है या फिर आप agamashakti.com पे विजिट कर सकते हो और न्यूज़लेटर को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्लेमर, हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ जानेंगे, राहु और मंगल के गुण धर्म और दोष, इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। एक तरह का रिविजन होगा। ये वीडियो में जेनरिक इन्फॉर्मेशन दिया है, ये कोई कुंडली स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि हर एक जातक की कुंडली अलग अलग होती है। तो कृपया करके आप सिर्फ एक वीडियो देख के या किसी भी ऑनलाइन वीडियो देख के अपने कुंडली पे विश्लेषण ना करें, एक प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है। सो कीपिंग थिंग्स सिंपल इज डिफिकल्ट, तो चीज़ें आसान रखना थोड़े मुश्किल होते हैं। तो यही मेरा प्रयत्न है वीडियो में कि चीज़ें आसान रहेगी। तो चलिए अभी हम लोग मंगल और राहु के गुण धर्म दोष के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मंगल, मंगल जो है वो एनर्जेटिक है, मार्स का एनर्जी और एक्शन से संबंधित, क्योंकि अगर किसी भी मंगल या फिर मंगल मार्स बेस्ड व्यक्ति को आप अगर कोई कार्य दो वो कार्य पूरा ही होगा। एक आर्मी की तरह होते, एक सोल्जर की तरह होते हैं, इसलिए फिर वहां पे फिजिकल हेल्थ आ जाता है। टेक्निकल और इंजीनियरिंग स्किल्स, इंजीनियरिंग को हम मार्स से देखते हैं, किसी भी तरह की इंजीनियरिंग हो जहाँ पे स्किल्स लगाने हो, जहाँ पे दिमाग लगाना है और टेक्निकली आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए मार्स की जरूरत होती है। करेज हिम्मत के कारक है, एम्बिशन के कारक है। राहु भी एम्बिशन के कारक है, लेकिन राहु का एम्बिशन खुद के स्वार्थ पूर्ति के लिए होता है, हालांकि मार्स का जो एम्बिशन होता है वो किसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए होता है। कॉम्पिटिटिवनेस, राहु भी कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। पैशन एंड डिजायर, गुस्सा है, एग्रेशन एंड असर्टिवनेस, डोमिनेंस उसे अपना बनाए रखना है मार्स को। हालांकि राहु जो है वो ऑब्सेसिव है, उसे ऑब्सेशन की आदत है किसी भी चीज को लेकर। भ्रम के कारक है, किसी भी चीज से कैसे किसी को धोखा दिया जा सकता है या फिर किसी को भी बेवकूफ बनाया जाता है, इस चीज के लिए जरूरत पड़ती है राहु की। मटेरियलिज्म का कारक है कि जो आध्यात्म से दूर करे और भौतिक जगत के नजदीक लेकर जाए, आपको सारे ऐशो आराम दिलाए, इस तरह का जो ग्रह है वो है राहु। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फॉरेन एलिमेंट, विदेश, विदेश के एकमात्र कारक राहु, एकमात्र नहीं लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर जो होते हैं विदेश जाने के, फॉरेन सेटलमेंट, उसके लिए राहु जिम्मेदार है। अनकन्वेंशनल थिंकिंग, क्योंकि राहु जो है वो आउटकास्ट है तो उनका अनकन्वेंशनल थिंकिंग रहता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, मिस्टीरियस, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, मिस्टीरियस होते हैं। कार्मिक इन्फ्लुएंस इनका स्ट्रांग रहता है और जिस भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं उसे वो चीज एम्प्लीफाई करते हैं, उस एक्शन को या वो प्लैनेट के सिग्निफिकेशन को एम्प्लीफाई करते हैं। तो भी जान लेंगे राहु इन फर्स्ट हाउस। ऐसे व्यक्ति को अगर शॉर्ट में बताओ तो अपने ईगो को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है, मंगल असर्टिव है, डोमिनेंस है और राहु के पास बहुत ज्ञान है। तो ऐसे दो प्लैनेट्स जब आदमी के लग्न में बैठे हैं, आदमी के बुद्धि में बैठे हैं, तब व्यक्ति को अपने ईगो को संभाल के रखना चाहिए और हर किसी के साथ जो भी है शांति से अगर बात करेंगे तो इन्हें अपने लाइफ में कम दिक्कतें होंगी। लेकिन पोजीशन लग्न में काफी अच्छा रहता है, ड्राइविंग इनको संभल के करनी चाहिए, ड्राइविंग इन्हें संभल के करनी चाहिए। सेकेंड हाउस में राहु और मंगल, सेकेंड हाउस में राहु और मंगल आ गए, इसका अर्थ यह है कि ये दो पोल सपाट है। मार्स जो है वो सेकेंड हाउस में सिर्फ मार्स बैठ गया तो व्यक्ति को आर्थिक हानि होगी और अगर सिर्फ राहु बैठ गया तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धनवान होंगे। तो ये दोनों चीज जब एक साथ बैठ गई है तो व्यक्ति को पैसे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन एग्रेशन के कारण, कम्युनिकेशन में एग्रेशन के कारण फाइनेंशियल डीलिंग्स में लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस स्पीच और वेल्थ दोनों का है। तो वहां पे मंगल आ गया और बात करने में अगर जो मंगल का असर्टिवनेस है वो अगर आ गया तो व्यक्ति को फाइनेंशियल डीलिंग्स में लॉस दे सकता है। जब थर्ड हाउस में राहु और मंगल बैठ गए तो ये व्यक्ति काफी करेजियस होगा, गुड वॉरियर, फॉर एग्जाम्पल अगर तलवार चलानी है, वेपन्स चलाने, इसमें बहुत अच्छे माहिर होंगे। आर्मी में जाने के लिए ये करियर बहुत ही बढ़िया रहेगा इनके लिए, यदि ये आर्मी को ज्वाइन करना चाहे। इनके सिबलिंग्स के साथ इनका रिलेशंस ऑन एंड ऑफ रहेगा और सिबलिंग्स के साथ लैंड या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन्हें हो सकती है, ठीक है। हाउएवर इट मे ऑल्सो लीड टू ओकेशनल डिस्प्यूट्स विद सिबलिंग्स। अभी फोर्थ हाउस में राहु और मंगल, तो फोर्थ हाउस में राहु और मंगल मदर को थोड़ी दिक्कतें देते, मदर को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, घर में वास्तु दोष रहता है और इसके अतिरिक्त फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होता है जो घर के बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। मतलब बाहर के लोगों को नहीं पता होगा घर में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है,
किसी तरह का मन मुटाव है, लेकिन वो घर में बना रहेगा। जब फिफ्थ हाउस में केतु और मंगल एक साथ है, तो यदि आप इसे समझ लीजिए कि अगर सिर्फ मार्स है तो एक अबॉर्शन देगा, अगर फिफ्थ हाउस में सिर्फ मार्स है तो एक अबॉर्शन देगा, लेकिन अगर मार्स और राहु एक साथ है तो आपके आपके संतान पे अच्छे से उनकी केयर अच्छे से लेनी होगी, उन पे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना करे, उनकी बातों को ठीक से समझ ले और उन्हें जो पसंद है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने दे, तो उनके लिए काफी बेटर होगा। सेकेंड, ये जो होता है ये क्रिएटिविटी का भी होता है, तो यहाँ पे मार्स और राहु जब बैठ गए, राहु काफी क्रिएटिव है, स्पेसिफिकली स्पीच के संबंधी, स्पीच हो गया और टेक्निकल चीज रिलेटेड जैसे आईटी हो गया, इस चीज में राहु आगे बढ़ना चाहेगा और अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहेगा। तो यहाँ पे एक चीज फिफ्थ हाउस देती है कि देयर मे बी अ स्ट्रॉन्ग ड्राइव फॉर रिकॉग्निशन एंड सक्सेस इन दीज एरियाज। सिक्स्थ हाउस में जब राहु और मंगल आ गए, एक चीज जानिए, सेवेंथ हाउस मैरिज का है और सेवेंथ से ट्वेल्थ आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इज सरप्राइजिंगली गुड फॉर मैरिज, क्योंकि राहु और मंगल यहाँ पे प्लेस हो गए, तो यहाँ पे रोग ग्रहण शत्रु को कहीं ना कहीं वो मार दे रहे हैं, उन्हें हरा तो रहे हैं, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि कन्फ्रंटेशनल, मतलब हाथापाई होने के भी चांसेस हो जाते हैं। और मैरिज के लिए तो ठीक है, क्योंकि ये जो सिक्स्थ हाउस है, जो सेपरेशन या फिर डिवोर्स का हाउस है, वहाँ पे वो उस पॉसिबिलिटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज में अराइज ड्यू टू स्ट्रेस, तो क्योंकि यहाँ पे मैलिफिक है, उस रीजन से स्ट्रेस बना रहेगा। यहाँ पे सेवन्थ हाउस में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देनी चाहिए, डोंट गेट इनटू पार्टनरशिप। यदि आपका प्लेसमेंट में राहु मंगल एक साथ है तो आपको पार्टनरशिप करनी नहीं, और आप जिस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो उनके कुंडली में भी ये अगर कॉम्बिनेशन है तो उनके साथ आप पार्टनरशिप ना करें तो बहुत बेटर है। चलिए, एथ हाउस में जो है ये पोजिशन काफी यूनिक है। सबसे पहले ये व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी और कई बार तंत्र भी दे देता है। किस प्रकार का तंत्र? अघोर तंत्र, और व्यक्ति ना जाए तो ज्यादा ही बेटर है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपके गट हेल्थ का, आपके पेट संबंधी दिक्कत का आप ध्यान जरूर रखिए, और आपको काफी सारी सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले यहाँ जो नाइन्थ हाउस है वो हायर एजुकेशन का है, तो व्यक्ति क्योंकि यहाँ पे मार्स की एनर्जी है और राहु का नॉलेज है, तो व्यक्ति बहुत नॉलेज एक्वायर करता है। नाइन्थ हाउस ट्रेवल का भी है, इसलिए व्यक्ति लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ट्रेवल जरूर करता है, और व्यक्ति सक्सेसफुल कहीं ना कहीं बन जाता है, लेकिन उसके कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं अपने अथॉरिटी के साथ, फादर हो गए या फिर गुरु हो गए, इनके साथ इनके प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो टेंथ हाउस, जैसे मैंने बताया कि नाइन्थ और टेंथ ऑलमोस्ट सेम है, बॉस गवर्नमेंट फादर के साथ दिक्कत रहती है, फादर के लिए हम दो हाउस देखते हैं, नाइन्थ हाउस एंड टेंथ हाउस डिपेंडिंग ऑन दी चार्ट, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली हम नाइन्थ हाउस देखते हैं, लेकिन कई बार टेंथ भी देखते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर का है, फोर्थ से सेवन फादर आते हैं, और क्योंकि हमें धर्म भी मिलता है फादर से, तो नाइन्थ हाउस भी देखते हैं, तो इट डिपेंड्स। अभी ये जो प्लेसमेंट है, व्यक्ति को एम्बिशन तो देता है काफी अच्छे से, करियर भी आगे लेके जाता है और सक्सेस भी देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सहकर्मचारी है या फिर बॉस है, वो आपके जिस तरह से आप बिहेव करते हो वो बिहेवियर को अग्री ना करें। इलेवेंथ हाउस के बारे में जान लेते हैं। अभी इलेवेंथ हाउस का सोशल सर्कल सबसे पहले काफी बड़ा होगा, व्यक्ति नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा माहिर होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि कुछ लोग होंगे जो आपके नेटवर्किंग के तरीके को अनएथिकल कहेंगे, कि व्यक्ति जिस प्रकार से अपने फ्रेंडशिप को या फिर अपने जो सोशल अपने फ्रेंडशिप को या फिर जो आपके सोशल सर्कल में लोग हैं उनको जिस प्रकार से एक्सप्लोइट करते हैं, उन्हें ये चीज ठीक ना लगे। फाइनली ट्वेल्थ हाउस में राहु मंगल। सबसे पहले जब ट्वेल्थ हाउस में राहु मंगल आते हैं तो हिडन एनिमीज चैलेंजेस रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेवल या फिर स्पिरिचुअल परस्यूट्स सामने आ जाते हैं। यदि आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है तो यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे राहु प्लेस्ड है, यहाँ पे राहु बैठ गए तो राहु आपको हमेशा मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ खींचेंगे। और यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ट्वेल्थ हाउस में अगर राहु और मंगल एक साथ है तो बाहर जेल या फिर अरेस्ट, पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आदमी को फेस करने पड़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफी सारे टॉपिक्स मैंने बहुत जल्दी कवर कर ली। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक से दो तीन बार देखिए, आप आपके खुद के प्रेडिक्शंस निकालिए, हाउस प्लस दो प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिला के एक हाउस से आप तकरीबन 10 प्रेडिक्शंस आसानी से निकाल सकते हो। यदि आपको मुझसे कोई बात करनी है तो agamashakti@gmail.com ये ईमेल आईडी है, या फिर agamashakti.com पे भी जाके विजिट कर सकते हो, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। हरे कृष्णा, टेक केयर।